मथुरा के विश्व प्रसिद्ध दाऊजी होरंगा में उमड़ा श्रद्धालुओं का रैला। कोड़े खाने के लिए देश विदेश से दाऊजी मंदिर पहुंचे भक्तगण। होरंगे की तैयारियों को लेकर प्रशासन पिछले एक हफ्ते से तैयारियों में जुटा था। जनपद मथुरा महावन तहसील के थाना बलदेव में ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण बलदेव में गुरुवार को होरियारों ने होली खेलने में कोड़े बरसाए। कोड़े खाने के लिए श्रद्धालु सहित होरियारे मंदिर प्रांगण में पहुंचे। होरंगे की तैयारियों को लेकर प्रशासन पिछले एक हफ्ते से तैयारियों में जुटा हुआ था। मथुरा में बलदेव में दाऊजी का होरंगा विश्व प्रसिद्ध आयोजन होता है, जिसमे होली के अगले दिन यहाँ पर हुरियारे जो हैं, गोपिकाएं हैं, वो पूरे उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। उसको देखने के लिए देश विदेश से बहुत लोग आते हैं। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर आयोजक गणों ने बहुत ही उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध होरंगा जो श्री दाऊ जी के मंदिर पर प्रत्येक वर्ष परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई थी। जोन और सेक्टर्स में ड्यूटियां लगी थी और यातायात की भी व्यापक व्यवस्था की गई थी। गुरुवार सुबह से ही इस होरंगे को देखने के लिए देश विदेशी श्रद्धालु आए। सुबह से दाऊजी मंदिर में भगवान के पट खुलते ही मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रवेश किया। इसके बाद वहां अबीर, गुलाल, फूल आदि जमकर उड़ाया। मंदिर सेवा परिवार की ही महिलाएं इस होरंगे को खेलने के लिए शामिल हुई। होरियारे होरियारों के बदन से कपड़े फाड़ कर उसका कोड़ा बनाती है और फिर रंग में डुबो डुबो कर नंगे बदन पर जमकर मारती हैं। यह एक अद्भुत एवं प्रसिद्ध होरंगा है। विश्व प्रसिद्ध दाऊ जी का होरंगा आज बहुत ही भव्यता के साथ, रंगों रंग के साथ बलदेव में मनाया गया। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक, दर्शक सभी लोगों ने इसका आनंद लिया और ये विश्व प्रसिद्ध एक परंपरा यहाँ पे रही है। उसमें पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उसको भी हम लोग पिछले कई दिनों से उसका जायजा ले रहे थे कि वो भी सकुशल हो जाए और आज हम लोगों ने उसको सकुशल यहाँ पे संपन्न कराया। होली का पर्व तो पूरे दुनिया में क्या हिंदुस्तान में, और जब मनाया जावे उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ब्रज में, और वो भी दाऊ जी का होरंगा, उसका तो स्वाद ही अलग होता है। आप सुबह से देख रहे हैं हमारे देश के विदेश के पर्यटक, टूरिस्ट, और फिर हम श्रद्धा का एक भाव होता है। आप यहाँ पर देखते हैं पूरे आपके प्रांगण में, दाऊ जी महाराज के प्रांगण में, इसमें रंग नहीं होता है सबसे बड़ी चीज़ है, टेसू के फूलों का उनका पूरा एक तराफ सा बन जाता है। बहुत अमेजिंग है और इट्स माय फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर दाऊ जी के टेंपल पर पहली बार आई हूँ, जो कि हमारे बीच में मथुरा से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारी संख्या में लोग इन्जॉय करने आए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और दाऊ जी का होरंगा कहा जाता है दोस्तों, दाऊ जी महाराज का ये विश्व प्रसिद्ध होरंगा महोत्सव बहुत 550 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो कि मंदिर में खेली जाती है। यहाँ श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य वंश से सभी खेलते हैं, जिसमें 11 कुंटल टेसू के फूल, 21 कुंटल अबीर गुलाल, खूब इंद्रधनुष रंगों के माध्यम से भगवान दाऊ जी महाराज का ये विश्व प्रसिद्ध होरंगा का आयोजन हुआ है। मंदिर प्रांगण में जमीन में कई कई फुट गहरी कुंडली बनाती हैं। 11 कुंटल टेसू के फूलों से बनाया गया रंग, इसी रंग के कोड़े के बीच बौछार की जाती है। गुलाल, अबीर और फूल भी बरसते रहते हैं और नीचे टेसू का रंग होता है, जो बाल्टी भरकर एवं कोड़ों को भिगोकर होरियारिन होरियारों के नंगे बदन पर मारती नजर आई। सी न्यूज के लिए ओम वीर चौधरी की रिपोर्ट।